वेलकम बैक टू रियलिश गाइस। तो आज का ये जो वीडियो है ना वो बहुत ही रिक्वेस्टेड एक टॉपिक पर है जो कि है हाउ टू टेक केयर ऑफ योर प्राइवेट पार्ट्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों के प्राइवेट पार्ट्स में थोड़ा सा ओडर का इश्यू होता है। कुछ लोग यू नो दे डोंट नो हाउ टू प्रॉपरली टेक केयर ऑफ इट, दे डोंट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ दोज अनवॉन्टेड हेयर्स एंड स्मेल्स एंड यू नो फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर इंटीमेट एरिया। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो हमारा कंसर्न होता है रिगार्डिंग आवर प्राइवेट पार्ट वो ये होता है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दोज अनवॉन्टेड हेयर्स। ठीक है, ये हमें बहुत परेशान करते हैं। सो गाइज, इंटीमेट एरिया में शेविंग करना मैं पर्सनली आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। एक तो बहुत ज्यादा रिस्की होता है, उसके बाद जो हेयर्स आते हैं ना वो बहुत ज्यादा पोकी होते हैं, तो मुझे तो मतलब बिग नो नो। उससे बेहतर है अगर आप पेनलेस प्रोसेस को ट्राई करना चाहते हो तो आजकल बहुत सारे हेयर रिमूवल पाउडर आ गए हैं। वैसे मैंने जो एक आप लोग के साथ रिकमेंड किया था उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा है। मैं सोच रही हूँ कि एक और हेयर रिमूवल पाउडर ट्राई करके देखूँ, जस्ट टू रिकमेंड यू ऑल। आप ट्राई कर सकते हो फिलहाल के लिए एक हेयर रिमूवल क्रीम। यहाँ पे है मेरे पास एवरटीन का क्रीम हेयर रिमूवर बिकिनी लाइन। ये प्रोडक्ट मैं पहले भी आप लोगों के साथ टेस्ट रेकमेंड कर चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी और मैं अपने डिलीवरी के लिए जा रही थी तब मैंने अपने इंटीमेट एरिया को इसी से हेयर फ्री बनाया था एंड इट डिडंट कॉज मी एनी सॉर्ट ऑफ रिएक्शन और यू नो कोई रैशेज नहीं आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इट वॉज टोटली सेफ ऑन माई इंटीमेट एरिया। सो अगर आप ऐसा कुछ भी ट्राई करना चाहते हो तो एवरटीन बिल्कुल आप सोच सकते हो एवरटीन के बारे में। ठीक है, एवरटीन के जो बिकिनी लाइन हेयर रिमूवल क्रीम होते हैं वो काफी सारे वेरिएंट्स में भी आते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा भी है और पॉकेट पे भी हैवी नहीं है, बहुत बड़ा पाउच नहीं है, मतलब छोटा सा है और आप ट्रैवल भी कर सकते हो इसे लेकर। तो यू नो यू कैन एक्चुअली गिव इट अ ट्राई, सोच सकते हो इसके बारे में, इट्स अ गुड परचेज। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि यू नो ओडर फ्री हम कैसे रखें अपने इंटीमेट एरिया को, अपने वजाइना को। बेसिकली बहुत सारी लड़कियों को इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो रिपीटेडली मुझसे पूछ रही थी कि कुछ वजाइनल ओडर पर बता दीजिए। तो गाइज, क्लीनलीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन, मतलब कहीं का भी अगर आप ओडर का सोचो तो क्लीनलीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वहां पर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी एवरटीन इंटीमेट नेचुरल वॉश। ये 100% नेचुरल एक्टिव से बना है, SLS फ्री है, जेंटल है, बहुत ज्यादा सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। देखो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है। ऐसा है कि मुझे इंटीमेट एरिया में ओडर का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। मुझे मतलब इन लोगों ने दो भेजे थे तो एक ही अभी मैं खत्म नहीं कर पाई हूँ। ये तो दूसरा बॉटल अभी यू नो देख रहे हो इंटैक्ट है, बट इट इज रियली रियली नाइस, बहुत जेंटल है स्किन पे। सो मैं हाईली आपको ये एवरटीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश रिकमेंड करूंगी। उसके बाद अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो आपको पता होगा कि मैं सैनफे की बहुत बड़ी फैन हूँ। सैनफे ब्रांड्स के साथ मैं काफी टाइम से कोलाबरेट कर रही हूँ। मुझे उन्होंने उनका बिकिनी लाइन हेयर रिमूवल क्रीम भेजा था, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। सैनफे एक बहुत ही अच्छा ट्रस्टवर्थी ब्रांड है, ऑनेस्टली मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है। रिसेंटली मैंने सैनफे के कुछ प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ रिव्यू किए थे। ये देखो कुछ इस तरह की पैकेजिंग है और स्पैचुला के साथ भी आता है। 200 rupees MRP है। देखते इसकी खुशबू कैसी है। ओके, सो ये तो अभी इस तरह इंटैक्ट है, इसको खोलते हैं। ओ माई गॉड, बहुत अच्छी। अच्छा लिसन, मतलब इस तरह की जो हेयर रिमूवल क्रीम होते हैं ना उसमें थोड़ी सी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस होती है। ठीक है, आई हैव टू टेल यू थोड़ी सी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस होती है, बट इट हैज लैवेंडर एलोवेरा इन इट, और एलोवेरा है तो आई एम श्योर स्किन में ज्यादा रफ टफ यू नो इचीनेस वगैरह नहीं होगी। मैं रिसेंटली ट्राई करूंगी ना तो ऑब्वियसली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दिस इज सैनफे बिकिनी हेयर रिमूवल क्रीम। या सो सैनफे के प्रोडक्ट्स है तो मैं आंख बंद करके इस पर भरोसा कर सकती हूँ। उसके बाद रिसेंटली मैंने एक अपना रील शेयर किया था, उसमें मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप तो सैनफे का कुछ सेरम वगैरह यूज कर रही थी तो फिर से आपके डार्क अंडरआर्म्स पिगमेंटेड कैसे हो गए। गाइस, स्किन हो, अंडरआर्म्स हो, कहीं पे भी हो, हमें ना टेक केयर करना पड़ता है उसको। मतलब एक दिन किया, चार दिन किया, फिर भूल गए, तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है। कभी मैं यहाँ रहती हूँ, कभी मम्मी के पास रहती हूँ, तो इस चक्कर में स्किन केयर कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। स्पेशली यू नो ये सब जो बहुत ही डिटेलिंग वाले स्किन केयर्स होते हैं। तो ये है सैनफे का डी पिगमेंटेशन सीरम। गाइस, इसके ऊपर मैंने रील बनाया था जो बहुत लोगों ने देखा। ये पीएच को बैलेंस करता है, इसमें ना सिल्वर फ्लेक्स है, इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है, इसका जो टेक्सचर है ना वो अपने आप में इतना अच्छा है, देखो एकदम रानी कंसिस्टेंसी है,
खुशबू, ओह माय गॉड, अगर आपने इसको लगा लिया तो मतलब आपका इंटीमेट, मतलब स्पेशली अंडर आर्म के लिए बना है, इट विल गिव यू मस्त खुशबू हो जाओगे आप, और बहुत ही रिफ्रेशिंग सा एक फील दे देता है। रात को मैं इसको लगा रही थी ना जब कंटिन्यूस बेसिस पे, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। सैंटे के कुछ और भी प्रोडक्ट्स है मेरे पास, मैं आप लोगों को वो भी रेकमेंड करना चाहूंगी। ये है ब्राइटनिंग, सी अगर हम इंटीमेट एरिया की बात करें तो वो सिर्फ वजाइना और अंडर आर्म्स तो है नहीं, और भी सारे इंटीमेट एरियाज होते हैं हमारी बॉडी में, विच इज ब्राइटनिंग बैक एंड बम क्रीम। मैं नाम नहीं बोलूंगी, पर मेरे बहुत ही क्लोज किसी को बहुत ही हाई ड्राइनेस और पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम था अपने बम एरिया में, एंड गाइज दिस प्रोडक्ट वर्क्ड वंडर फॉर दैट पर्सन। इट हैज ब्राइट एंड, इसका टैगलाइन ये है कि ब्राइट एंड बूटीलिशियस, पियोनी एंड लेमन है इसमें। गाइज ये आपके, अगर आपका बैक एरिया, बम एरिया बहुत ज्यादा ड्राई है बेसिकली, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। दिस इज नॉट अ बम क्रीम, दिस इज अ बैक क्रीम ऑल्सो, पीठ पे भी लगा सकते हो। बहुत सारे लोगों के ना बहुत सारे पैचेस होते हैं, ड्राइनेस होती है, एक्ने टाइप की चीजें होती है उनके बैक में, जो बहुत ज्यादा अनॉइंग होती है। बैकलेस ब्लाउज पहनते हो तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड बैक एंड बम क्रीम, सैंटे का है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 700 MRP है, अमेजोन पे देख सकते हो आप अगर कोई डिस्काउंट मिल गया आपको, बट इट इज अ गुड प्रोडक्ट, इट इज अ गुड प्रोडक्ट, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है ये मेरी तरफ से, अप्रूव्ड। उसके बाद सैंटे ने एक बहुत ही अलग सा प्रोडक्ट लेके आया है, विच इज सैंटे ब्राइटनिंग इंटीमेट स्क्रब, लेट दैट स्किन एंजॉय सम एक्स्ट्रा लव। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं देखा, जब उन्होंने मुझे भेजा था आई वाज लाइक इसका क्या करूं मैं, बट या अगर आप यूज करना चाहते हो, अपने इंटीमेट एरिया को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लव देना चाहते हो, स्क्रब करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो। इसमें सब कुछ लिखा है, स्क्वीज अ स्पूनफुल ऑफ स्क्रब आउट, अप्लाई टू वेट स्किन इन अ सर्कुलर मोशन अंटिल द ग्रैनुल्स डिसॉल्व। इसमें छोटे छोटे ग्रैनुल्स है, रिंस ऑफ विद कूल वाटर फॉर बेस्ट रिजल्ट, यूज 2 to 3 times a week। हो सकता है कुछ लोगों को जरूरत हो स्क्रब की अपने इंटीमेट एरिया में। आई एम श्योर इसे आप, मतलब यहाँ पे तो वजाइना का ही फोटो लगा है, आप इसे अपने बैक एरिया में भी यूज कर सकते हो। स्क्रब है, क्रैनबेरी है, जोजोबा है। सो गाइज लास्ट प्रोडक्ट जो मैं रेकमेंड करूंगी वो ये है कि सैंटे का 6-in-1 ग्लो बूस्ट क्रीम है, ठीक है। ये है लैक्टिक एसिड और रेटिनॉल है इसमें। इसका जो मेन थॉट प्रोसेस है वो ये है कि टेकिंग केयर ऑफ ओवरलुक्ड एरिया, जैसे कि हमारा एल्बो, हमारे पैरों के नकल्स एरियाज जो भी होते हैं, हमारा जो नी एरिया होता है ना, वो सारे एरियाज को ऐसा है ना कि हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ये ग्लो बूस्ट क्रीम, 6-in-1 ग्लो बूस्ट क्रीम। लैक्टिक एसिड रेटिनॉल है, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये स्किन के लिए, स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए। तो ये सैंटे का प्रोडक्ट है, और ये भी, इसकी भी MRP 600 लिखी हुई है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इंटीमेट केयर प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छे एक्सपेंसिव, थोड़े से एक्सपेंसिव यूज करना ही अच्छा होता है। आई थिंक दे आर गुड क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। दिस इज 60 ग्राम का प्रोडक्ट, और मैं इसे आजकल अपने अंडर आर्म पे यूज कर रही हूँ। दिस इज क्वाइट अ गुड क्रीमी टेक्सचर वाला प्रोडक्ट है, देख लो कुछ इस तरह का, थोड़ा सा ऑफ व्हाइट कलर का इसका कलर है। इसकी खुशबू ना बहुत लाइट है, बहुत बहुत लाइट है। मैं रात को सोने से पहले इसे अपने अंडरआर्म में लगा के फिर सोती हूँ, मतलब आजकल मेरे अंडरआर्म्स और भी ज्यादा इची हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब अभी आने ही लगा है समर, और पता नहीं मुझे थोड़ा सा ऐसा पैच टाइप का यहाँ पे आया है, तो मैं रेगुलरली इसे यूज कर रही हूँ। सो ये कुछ मेरे इंटीमेट केयर प्रोडक्ट्स के रिकमेंडेशंस थे, आप लोग पूछते रहते हो, सो आई थॉट लेट्स डू अ वीडियो, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स थे मैं रिकमेंड कर सकती थी, सो आई थॉट लेट्स डू अ क्विक वीडियो ऑन योर इंटीमेट केयर हाइजीन। सो या दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो, एंड आई एम गोना सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।